वेलकम बैक मनो ब्लॉग एंड न्यू लुक। ठीक है, मुझे बताइएगा ये लुक मेरे ऊपर कैसी लग रही है। आज हम बनाने लगे हैं पिनिया और आज आपको मैं पिनियों की रेसिपी बताती हूँ। चले आए, जब हमने आपको कहा था पिनिया बनाते हुए अब आपको हम दिखाएंगे। ये हमने शुरू की है फ्राई पैन के अंदर। ये जी है कमरकस और इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे और उसके बाद हम इसको साथ ही ग्राइंड करेंगे गरम गरम। ठंडी हो जाएगी तो ये पत्थर बन जाएगी, साथ आपको हम लोग दिखाते रहते हैं। देखें जी गाइस, हम लोग बनाने लगे हैं सर्दियों की सौगात पिनिया। और ये देखिए, ये खशखास है और चार मगज़ हम लोगों ने इसके अंदर डाल के इसको भिगो दिए हैं। ठीक है, और वो बादाम हैं जो चीज़ें इसमें डलती हैं। ये अखरोट हैं, ठीक है, जो मम्मा तोड़ रही हैं। ये फूल मखाने हैं, ठीक है, वो खोपा है। और ये जो है चीड़ है, ठीक है, वो पिस्ता है, वो आगे कमरकस है। और ये पेशावरी गुड़ है, ठीक है। आप लोग ये देखें, ये सारी चीज़ें हैं। अब आप लोगों को मैं साथ साथ बताऊंगी ये चीज़ें कैसे तैयार होंगी। जी गाइस, ये फूल मखाने हैं, ठीक है, अब ये फ्राई कर रहे हैं। ये देसी घी के अंदर हम लोगों ने फ्राई करनी है सारी चीज़ें, दूसरे घी में नहीं करनी है, देसी घी के अंदर सारी चीज़ें फ्राई होंगी। ठीक है, और फ्राई होने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कैसी लुक आ रही है। और ये इसको भी ग्राइंड ही करना है, गरम गरम करना है हम लोगों ने, ठंडा होगा तो ये ग्राइंड नहीं हो पाएगा। ठीक है जी गाइस, ये चीड़ है, ठीक है, ये इसको हम लोगों ने इस तरह करके जो है ना इसको हम लोगों ने वो करना है और फ्राई, और उसके बाद हम लोगों ने इसको ग्राइंड करना है। ग्राइंड के बाद इसकी ये शेप आ जाएगी, ये वाली, ठीक है, ये चीड़ की आ जाएगी। और ये कमर कस्ट है जो हम लोगों ने भी ग्राइंड की, ये ब्लैक वाली, ठीक है ना। अब आपको ऐसे सही अंदाज़ा हो गया। ये देखिए जी गाइस, ये चीड़ है, ये हम लोगों ने इतनी इसको करनी है, ठीक है, ऑयल में फ्राई। और ये भी साथ हम लोगों ने ग्राइंड करनी है, ठीक है। ये देखिए जी गाइस, हम लोग ये 2 किलो वाले में बना रहे हैं। ये पिस्ता है, ठीक है, ये हमने 200 का पिस्ता लिया था, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए हम अखरोट डाल रहे हैं। अखरोट हम लोगों ने 1/2 किलो लिए थे। हम बड़ी किससे करेंगे कि मेरे पापा के दांत नहीं है। हाँ जी, सुन तो लिया होगा आपने कि बारीक हम लोग इसी कर रहे हैं कि मेरे पापा के दांत नहीं है, इसलिए अगर आप लोगों ने जैसे बनाने हैं, आप लोग जो है इसको थोड़ा सा मोटा वो करके बना सकते हो, जैसे दड़ा टाइप होता है वैसे आप करके जो है ना आप इसको कर सकते हो, ग्राइंड कर सकते हो। ये देखिए, ये अब ग्राइंड हो रहा है। ये देखिए, ये ग्राइंड हो रहे हैं, ये भी सारे हम लोग इसमें। ये दोनों चीज़ें हम लोग डाल के जो हैं वो देखिए ग्राइंड कर रहे हैं। और ये देखें, इसका मिक्सचर बन चुका है, ठीक है, बीच में कुछ साबुत रह गए हैं और कुछ बन चुका है। ये ऐसे आप लोगों ने करना है, जैसे आप दड़ा दड़ा टाइप में कर सकते हैं, ये बिल्कुल वो बारीक टाइप में हो गया। ये देखिए गाइस, ये गुड़ था, इसके ऊपर गंद देखे निकले हैं। हम लोगों ने 1 किलो लिया है, ठीक है, बट इसका जितना होता है कि जितना आटा होता है उतने ही आपको गुड़ डालना होता है, ठीक है। मेरे अब्बू को शुगर है इसलिए हम लोग कम डाल रहे हैं। तो ये हम लोगों ने पानी में जो है इसको वो सारा किया, ये गंद इसका ऊपर आ गया, तो अभी ये गंद इसका हटाएंगे और फिर आपको साथ साथ दिखाएंगे कि कैसे तैयार हो रही है। ये देखिए जी, अब इसके अंदर खशखास, 4 मगज और ये मोटा आटा जो 2 किलो हम लोगों ने लिया था, ठीक है। अब इन सारों को हम लोगों ने इकट्ठा जो है ना ब्राउन करना है, ठीक है, दोनों को एक साथ ही हम इन चारों को जो है ना इकट्ठा ब्राउन करना है, 4 मगज को, खशखास को और मोटा आटा, ठीक है। ये मैं अब आपको साथ साथ बताती हूँ, ये जब आपने इस्तेमाल करना है बनाना है, आपने अपना हाथ नहीं रोकना, ये लगातार आपने बनाना है, क्योंकि ये नीचे लग जाएगा और जल जाएगा। और आग जो है ना वो बिल्कुल हल्की आँच पर रखना है ताकि जो है ना ये सही बन सके, ठीक है। ये जी, इसके अंदर अब हमने ऐड किया है खोपरा। ये देखें जी कितना प्यारा लग रहा है, ये अब खोपरा है इसके अंदर, ठीक है। ये अब खोपरा हम लोगों ने ऐड किया, आप चाहें तो अपनी मर्जी से ज़्यादा खोपरा ऐड कर सकते हैं और कुछ फ्रूट हाटी ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। ये देखिए गाइस, अब हम लोग इसके अंदर डालने लगे हैं शीरा, ये गुड़ का पानी जो हम लोगों ने गुड़ का पानी बनाया हुआ था ना, ये देखें, ये वो सारा अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं, ये देखें, ठीक है। ये हम लोग ने पूरा ये देखिए गुड़ का पानी इसके अंदर डाल दिया है। अब हम इसको मिक्स करेंगे। देखिए जी, शीरा डालने के बाद ये सुना हो जाएगा, मतलब गुड़ का हम लोगों ने पूरा पानी इसके अंदर डाल दिया, गुड़ का ही। ये देखिए सारा यूं हो जाएगा। और ये पानी अब जैसे आपको नज़र आ रही है, पानी सुखाना है आप लोगों ने चूल्हे पर, सूखेगा उसके बाद मैं आपको बताऊँगी इसकी पिनिया आप कैसे बनी है। कम्प्लीट हमारा तैयार हो चुका है सब। ये देखिए जी, हो चुकी है इस टाइम पर रेडी हमारी पिनिया। आप देखिए जी इसको कैसे बनानी है, आप कितनी मर्जी है, आप इसको जैसे कोफ्ता बनाते हैं उस टाइप में बना
पूरी टिक्की की तरह बना के रख सकते हैं। जैसे आपका दिल करेगी हमारे इस टाइप पे हो चुके हैं मुकम्मल तैयार। अब ये जो इसकी शेव आती है वो मैं आपको दिखा दूँ कि शेव इसकी कैसे आई है तैयार होने के बाद। ये देखिए गाइस, ये हमारी पिनियों की फाइनल लुक आ चुकी है। ठीक है, ये हम लोगों ने ऐसी पिनियाँ बनाई हैं, ये अब तैयार हो चुकी हैं मुकम्मल, और आप इसको इसके खुश होने के बाद खा सकती हैं। ठीक है, ये फाइनल लुक है। ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा किस चीज़ को कैसी लगी और कैसे समझ आई और देखने में आपको कैसा लगा, ये लाजमी मुझे कमेंट में बताइएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आगे आपको मिल सके, और दुआ में बहुत ज़्यादा याद करिएगा। कमेंट्स में लाजमी मुझे इस चीज़ का बताइए। ओके, जेला आपके।